हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जहां पर ये एक अपडेट आया है उनकी तरफ से। रिक्रूटमेंट है फॉर ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर के लिए, ठीक है। इसमें जनरल स्ट्रीम है, लीगल स्ट्रीम है, इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी स्ट्रीम है, इंजीनियरिंग स्ट्रीम और रिसर्च स्ट्रीम। देखते हैं इसमें क्या क्या इन्होंने दे रखा है। सिक्योरिटीज़ बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में बता रखा है क्या क्या है ये, ठीक है। उसके बाद जो डेट्स इन्होंने पहले दे रखी है, इंपॉर्टेंट डेट्स, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 7 मार्च से शुरू हो चुका है, ठीक है, और जो एंड होगा वो 23 मार्च तक रहेगा। उसके बाद जो कॉल लेटर होंगे वो आपको ईमेल और एसएमएस के द्वारा बताए जाएंगे। इसमें 3 फेज़ की एग्ज़ाम होगी, तो फेज़ 1 जो होगी वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी, 12th ऑफ अप्रैल को होगी, और सेकेंड फेज़ की जो एग्ज़ाम होगी वो 3rd ऑफ अप्रैल को, ठीक है। तो 7 मार्च से 12th ऑफ अप्रैल, यानी कि एक से ज़्यादा 1+ मंथ का आपको टाइम दिया हुआ है फर्स्ट फेज़ की एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। उसके बाद जो इंटरव्यू होगा आफ्टर सिलेक्शन, जो सेकेंड फेज़ में सिलेक्शन होने के बाद, वो आपको बाद में बताया जाएगा, ठीक है। देखते हैं आगे क्या क्या दे रखा है इन्होंने। जो आपकी जनरल स्ट्रीम होंगी उसकी जो वैकेंसीज़ है वो 32 होंगी, 32 पोस्ट होंगी, ठीक है, जनरल के लिए। तो जनरल में आपकी कोई भी मास्टर डिग्री चल सकती है, ठीक है, इन एनी डिसिप्लिन। साथ ही में अगर आपने बैचलर्स डिग्री कर रखी है लॉ में, या फिर बैचलर डिग्री कर रखी है इंजीनियरिंग में, तब भी आप इसमें एलिजिबल होंगे। उसके साथ साथ अगर CA, CFS, CS या कॉस्ट अकाउंटेंट है, यानी कि अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन कर रखा है लॉ में या इंजीनियरिंग में या CA, CFS, तो आप एलिजिबल होंगे। साथ ही में अगर आपने कोई भी मास्टर्स डिग्री कर रखी है, ठीक है, चाहे वो BA, BCom, BSc के बाद में MSc, MA, MCom हो, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं जो लीगल स्ट्रीम होगी उसके लिए जो अनरिजर्व्ड पोस्ट हैं वो 12 है और टोटल पोस्ट इसमें 28 है। तो इसमें जो लीगल के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो लॉ होगा, ठीक है, बैचलर्स डिग्री अगर आपकी है कंप्लीट तो आप इसमें लॉ में अगर तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे IT के लिए। तो IT के लिए यहाँ पर बहुत सारी इंजीनियरिंग की सिर्फ रिक्रूटमेंट वैकेंसीज हैं, ठीक है, तो इसमें टोटल पोस्ट होंगी वो 17 होंगी। तो जो ब्रांचेस इसमें एलिजिबल होंगे वो है इलेक्ट्रिकल, ठीक है, बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उसके बाद है IT, फिर कंप्यूटर साइंस, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आपने मास्टर्स कर रखा है इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस तो भी आप अपना एलिजिबल हैं, ठीक है, या फिर बैचलर्स डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में है, ठीक है, उसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। तो यानी कि आपने अगर बैचलर्स डिग्री कर रखी है बी इन इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर रिलेटेड किसी भी ब्रांच में, तो आप एलिजिबल हैं। साथ ही में अगर आपकी कोई भी मास्टर्स डिग्री है इन इंजीनियरिंग तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सिविल में सिर्फ एक ही पोस्ट है, ठीक है, तो उसके लिए बैचलर्स डिग्री इन सिविल चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल में 3 पोस्ट है टोटल, तो बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए। उसके बाद रिसर्च में जो होगा वो टोटल आपकी 4 पोस्ट है, तो इसमें मास्टर्स डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, इकोनॉमिस्ट, अगर आपने ये सब कंप्लीट कर रखा है तो आप इसमें रिसर्च में जा सकते हैं, ठीक है, जिसमें 4 पोस्ट हैं। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज जो होगी वो हिंदी या इंग्लिश में होगी, ठीक है, तो अगर आपका मास्टर्स डिग्री इन हिंदी या इंग्लिश है कंप्लीट है, उसके साथ साथ बैचलर्स डिग्री भी है या संस्कृत, इंग्लिश या इकोनॉमिक्स, कॉमर्स में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई बात जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपकी क्या क्या होनी चाहिए पर्टिकुलर ब्रांच रिलेटेड, ठीक है। आगे देखते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रखी है उन्होंने। अगर कैंडिडेट्स आर परमिटेड टू अप्लाई फॉर मैक्सिमम 2 स्ट्रीम्स, ठीक है, यानी कि आप अगर इंजीनियरिंग है कंप्लीट कर रखी है सपोज फॉर एग्जांपल, तो इंजीनियरिंग आपको यहाँ पर भी दे सकते हैं, यहाँ पर भी दे सकते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि मैक्सिमम दो स्ट्रीम्स के लिए आप सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, ठीक है। जो नेक्स्ट बात बता रखी है उन्होंने वो कैंडिडेट्स हु हैव टू अपेयर फॉर द फाइनल एग्जाम एंड वेटिंग फॉर द रिजल्ट आर ऑल्सो एलिजिबल, यानी कि अगर आप फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपका रिजल्ट आने वाला है तब भी आप अपना एलिजिबल हैं, ठीक है, यानी कि आप फाइनल ईयर वाले भी एलिजिबल होंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एज लिमिट। तो एज लिमिट यहाँ पे 30 ईयर्स दे रखी है, ठीक है, एज ऑन बिफोर 29th ऑफ फेब्रुआरी, यानी कि 29th ऑफ फेब से पहले आपकी 30 ईयर्स से कम होनी चाहिए, ठीक है, और आपका जो बॉर्न डेट होगा वो 1st मार्च 1990 से के बाद में होना चाहिए।
ठीक है, उसके साथ साथ जो रिलैक्सेशन दे रखी है 5 ईयर्स की, ठीक है, SC ST के लिए, और उसके साथ 3 ईयर्स की, ठीक है, OBC के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन किस तरीके से होगा? तो 3 स्टेजेस में ये प्रोसेस होगी। ऑनलाइन पहली फेज़ जो होगी वो सिर्फ ऑनलाइन स्क्रीनिंग होगी, यानी कि ये जो फर्स्ट फेज़ पेपर जो होगा वो आपका इतना मुश्किल नहीं होगा। तो इसमें सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए एग्ज़ाम होगी, इसके मार्क्स कहीं भी कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये बता रखा है कि जो पेपर होंगे वो 2 पेपर होंगे, ठीक है, 100 मार्क्स ईच के। उसके बाद फेज़ 2 के लिए भी 2 पेपर होंगे 100 मार्क्स, और उसके बाद फेज़ 3 होगा जो कि इंटरव्यू होगा। तो जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी वो 12 अप्रैल को होगी, जिसमें ये सब स्ट्रीम्स दे रखी हैं। अगर आप ऑल स्ट्रीम यानी जनरल, अगर आप ऑल स्ट्रीम के होंगे, ठीक है, यानी जनरल में या फिर किसी भी इसमें होंगे, तो पहला जो पेपर होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जनरल अवेयरनेस पे, ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर पे, वो 100 मार्क्स का होगा। 60 मिनट्स इसका टाइम दिया हुआ है, और जो कट ऑफ होगा वो 30 मार्क्स का होगा। उसके साथ जो फेज़ 2 होगा वो जनरल स्ट्रीम के लिए MCQ होंगे, वो कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट या इकोनॉमिक्स पे, जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और 40 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा, और आपका जो कट ऑफ होगा वो 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, फिर लीगल, इंफॉर्म, IT या इंजीनियरिंग के जो बच्चे होंगे उनके लिए MCQ होगा, उनकी ब्रांच रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। या अगर आप रिसर्च में हैं तो इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस या कॉमर्स में, तो उसमें भी 100 मार्क्स होंगे, 40 मिनट्स का आपका ड्यूरेशन होगा, और 40 मिनट्स का 40% कट ऑफ होगा। तो टोटल जो कट ऑफ होगा वो प्रीलियम के लिए वो 40 मार्क्स का होगा। ओके, तो ये जो पहला पेपर होगा वो इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए है। आगे देखते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। 1/4 आपके मार्क्स जो असाइन होंगे वो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, दोनों में 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। और जो कट ऑफ मार्क्स होंगे वो पेपर 1 के लिए वो 30% होंगे, और जो कट ऑफ मार्क्स होंगे वो पेपर 2 के लिए वो होंगे आपके 40%। आगे देखते हैं, फेज़ 2 का जो होगा वो फिर से 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, 3 मई को आपकी ये एग्ज़ाम होगी, जिसमें कि ऑल स्ट्रीम्स के लिए इंग्लिश में इंग्लिश पेपर होगा, ठीक है, इंग्लिश के ऊपर होगा, जिसमें 100 मार्क्स होंगे, 60 मिनट ड्यूरेशन होगा, कट ऑफ 30% होगा, और वेटेज इसका 1/3 होगा। ठीक है, यानी कि 100 आउट ऑफ 1/3, यानी 33, अगर 100 मार्क्स का है तो 33 मार्क्स इसको दिए जाएंगे। उसके बाद जनरल स्ट्रीम के लिए कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग के ऊपर भी होगा, 100 मार्क्स, 40 मिनट्स और 40% ऑफ कट ऑफ होगा, 2/3 इसको दिए जाएंगे। उसके बाद फिर से यही लीगल इंजीनियरिंग स्ट्रीम में आपके जो ब्रांच रिलेटेड होंगे वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद रिसर्च स्ट्रीम के ऊपर भी आपको इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स के ऊपर पूछे जाएंगे, तो 100 मार्क्स इसमें भी, 40 मिनट्स का ड्यूरेशन, 40% जो होगा वो आपका कट ऑफ होगा, और 2/3 आपका वेटेज होगा। ठीक है, तो एवरेज जो कट ऑफ होगा वो फेज 2 के लिए वो भी 40% मार्क्स होने चाहिए। आगे देखते हैं और क्या दे रखा है। इंटरव्यू के लिए जो होंगे, जो बच्चे क्वालिफाई होंगे फेज 2 का एग्जाम, उनको उनका जो कट ऑफ होगा, यानी कि जो आपको मार्क्स दिए जाएंगे, वो फेज 2 के 85% मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे। जितने भी आपको मार्क्स मिलेंगे उसका 85% किया जाएगा। उसके बाद जो इंटरव्यू होगा उसका आपको 15% कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि 85 प्लस 15, टोटल 100 मार्क्स का आपका ओवरऑल जो फेज 2 होगा और जो इंटरव्यू होगा यानी फेज 3 होगा, उन दोनों को ऐड करके आपका रिजल्ट फाइनली डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये कुछ सर्विस कंडीशंस भी दे रखी है। प्रोबेशन होगा, ठीक है, 2 साल का। उसके साथ पे स्केल भी दे रखा है, 28,150 से लेकर 55,600, जो 17 ईयर्स के लिए होगा। उसके बाद जो सभी बाकी के जो अलाउंसेस मिलाकर जो आपकी टोटल अप्रोक्सीमेट सैलरी होगी वो 1,07,000 होगी, ठीक है, और 73,000 आपका जो एकोमोडेशन आपका कैलकुलेट करके होगा। ठीक है, बाकी के बेनिफिट्स भी होंगे आपको, एकोमोडेशन, पोस्टिंग, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, ठीक है, सभी जो कि स्टेट्स हैं उनके हिसाब से दिए गए, आप देख लीजिए इन सभी को, ठीक है। उसके बाद फेज 2 के जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वो भी दे रखे हैं। एप्लीकेशन फ़ी, तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा ओपन कैंडिडेट्स को थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा फ़ी लगा रखी है, ठीक है। अनरिजर्व्ड OBC या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 100 रुपीज़ लगा रखी है, और SC ST के लिए, सॉरी,
जो अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस है उनको 1000 रुपीज़ लगा रखी है और एससीएसटी के लिए 100 रुपीज़ लगा रखी है। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन अगर आप एससीएसटी में हैं तो आप 100 रुपीज़ हैं अब आपको भरनी पड़ेगी और इसमें आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, ठीक है। 100 रुपीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर 1000 रुपीज़ की भी बात आती है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप पर्टिकुलर वैकेंसी देखकर अप्लाई कीजिए आप किस फील्ड में या किस स्ट्रीम के साथ आपको जाना है, ठीक है। ऑल राइट गाइज, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप कौन से फील्ड में जाना चाहते हैं, या फिर आपको किसी एक स्ट्रीम के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो ज़रूर मुझे बताना, ठीक है। और अगर आप इसमें एलिजिबल होंगे तो आप इसमें अप्लाई कीजिए, और हो सके तो इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि ये जो सेबी की जो वैकेंसीज़ है वो हर किसी के किसी तक पहुँचे और हर कोई इसमें अप्लाई कर सके। ऑल राइट, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस चैनल, थैंक यू वेरी मच।